पटचित्र बंगाल की एक अनुपम और अनोखी लोक कला है। यह चित्रकला की एक कलात्मक यात्रा है जो चित्रों के माध्यम से एक गीतमय कहानियां बयान करती है। कलाकार लोक गीत गाकर अपनी चित्रकला तैयार करते हैं। बंगाल के मिदनापुर जिले से आए इन चित्रकारों की एक संगीतमय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन bengalnatak.com ने नई दिल्ली की लोकायत कला दीर्घा में किया। इसमें चित्रकार परंपरागत पौराणिक कथाओं सहित प्रकृति से जुड़ी अनेक विषयों का चित्रण करते हैं। यहाँ पे जो वर्कशॉप कम एग्जीबिशन चल रहा है, दिस इज बाय द पटचित्र आर्टिस्ट ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया है और प्रोजेक्ट का नाम है एथनो मैजिक गोइंग ग्लोबल, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फोक आर्ट एज लाइवलीहुड फॉर दीज आर्टिस्ट। सारे पेंटिंग के बारे में कहानी आता है, कहानी में गाना गा के समझाती है। तो वो पेंटिंग जो पेंटिंग में गाना गाती है वो पेंटिंग का नाम है वो पटचित्र। वो पेंटिंग जो मैं गाना गाती है वो राधा किशन जी का कहानी होता है। प्यार और मैत्री का भाव दर्शाने वाली इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता है। मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ ये मेरा परंपरा है, मेरे बाप दादा परदादा ये बना के आए हैं और हम लोग रामायण महाभारत और मंगल काव्य और अभी जो सामाजिक कहानी बन रही है उसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। और सारे जो पेंटिंग में जो सारे कलर हम लोग यूज करते हैं वो सारे नेचुरल कलर हैं। Bye.
শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা, নাম আমার জব চিত্রকর, পশ্চিম মেদিনীপুর হয় ঠিকানা।